नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टार पिक्चर्स के इस चैनल में। और मैं आप सबका सैंडी जुड़ चुका हूँ आपके साथ एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेके। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के आपको क्ल्यू तो लग ही चुका होगा कि आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट। नहीं होगा इंडो चाइना डिस्प्यूट्स पे, नहीं होगा करंट अफेयर्स पे, होने वाला है इजिप्शियन सीक्रेट्स, माने तो इजिप्शियन राजों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे, हाथ धोते रहिए और कोरोना को आपसे दूर करते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ममीज, मतलब ये वाली मम्मी नहीं, मदर मॉम वाली मम्मी नहीं। दोस्तों, इजिप्शियन मम्मी एक डेड बॉडी है जिसको पिरामिड के अंदर रखा जाता है। दोस्तों, ममीज के बारे में बात करेंगे और 5 ऐसे इजिप्शियन फैक्ट्स जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ममीज क्या है? एक मम्मी एक मृत मानव या फिर एक जानवर का शरीर है जिसकी त्वचा और अंगों को रसायनों से संभावित या फिर आकस्मिक जोखिम द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी एक डेड बॉडी होती है ह्यूमन या फिर एनिमल की, पर दोस्तों इजिप्ट में सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी यूज़ करते हैं और एनिमल्स की बॉडी नहीं यूज़ करते। दोस्तों, एक ह्यूमन की बॉडी को उसके केमिकल्स, मतलब सराउंडिंग के केमिकल्स से बचाने के लिए उसकी बॉडी को कवर अप करके, प्रोटेक्ट करके उसको पिरामिड के अंदर रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम इजिप्शियंस की माने तो ममीज उनके लिए बहुत ही पवित्र है। और दोस्तों, इजिप्शियंस ये भी कहते हैं कि एक बॉडी को मम्मी का रूप देने के लिए उसके अराउंड लिनन का क्लॉथ लपेटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिनन जो बहुत ही महंगा आता है इस ज़माने में, वो उसके अराउंड इजिप्शियंस लपेटे थे। और दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक मम्मी डिस्कवर की है जिसके अराउंड उनको 9,095 फीट यानी 9,095 फीट का लिनन क्लॉथ मिला है, जो कि बहुत ही विशाल मात्रा है लिनन क्लॉथ की। दोस्तों, हाल ही में अप्रैल 2017 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग को रंगीन लकड़ी के सरकोफेगी में 8 मम्मियों की खोज हुई है और फेरो के युग के एक संरक्षित कब्र में 1,000 अंतिम संस्कार की मूर्तियों की भी खोज हुई है। दोस्तों, फेरो ये कॉमन टाइटल है इजिप्शियन रूलर्स के लिए जो उस जमाने में रूल किया करते थे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 8 ममीज मिली है और थाउजेंड्स ऑफ आइडल्स मिले हैं जो कि फाइनल रिचुअल्स में यूज किए जाते थे। दोस्तों, ये खबर थी अप्रैल 2017 की। अब बात करेंगे फरवरी 2018 की। दोस्तों, मीनिया के शहर में जर्मन फ्रेंच टीम ने एक प्राचीन नेक्रोपोलिस की खोज की है जिसमें कई ताबूतों की मम्मी और कलाकृतियों से भरे पुराने दफन कक्ष थे। दोस्तों, नेक्रोपोलिस माने तो एक बड़ी टाइप ऑफ सिटी, जिसे हम गांव या फिर टाउन भी कह सकते हैं हमारी भाषा में। वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ममीज मिली है और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ रूम्स में थे। दोस्तों, ये थे ममीज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट। और दोस्तों, ममीज अगर हम इजिप्शियंस की माने तो ममीज खुद सिंबलाइज करती है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बदल जाएगी, फिर भी ममीज इस दुनिया से कभी गायब नहीं होंगे और इजिप्ट की सालों साल सुरक्षा करते रहेंगे। दोस्तों, ये थे ममीज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। और दोस्तों, अब बात करेंगे 5 ऐसे इजिप्शियन फैक्ट्स के बारे में जो आपको आज तक नहीं पता होंगे और इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाले हैं। दोस्तों, पुराना इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट जो है, वो उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और इरीगेशन टेक्निक्स के लिए जाना जाता था। और दोस्तों, अब जानेंगे हम फैक्ट्स ऐसे 5 जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, इजिप्शियंस ने इस दुनिया को 365 डेज का कैलेंडर इन्वेंट करा के दिया था नाइल रिवर्स की फ्लडिंग को प्रिडिक्ट करके। जी हाँ दोस्तों, नाइल रिवर में जब वाटर का लेवल बढ़ता था तब इजिप्शियंस को पता चलता था कि ये रेनी सीजन है, विंटर, समर, और ऐसे उन्होंने डिस्कवर कर लिया एक 365 दिन का कैलेंडर जो आज हमें बहुत काम आ रहा है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे पुराना ड्रेस मिला था इजिप्ट में लगभग 5,000 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, आपने शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, जीन्स पैंट पहनी है, उसका ओरिजिन हुआ था इजिप्ट में 5,000 साल पहले। फैक्ट नंबर 3, पिरामिड्स नहीं बनाए गए थे स्लेव्स ने, मतलब
जबरदस्ती लेके आने वाले मजदूरों ने आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा होगा कैसे उन मजदूरों को मार के उनसे पिरामिड बनवा के लेते थे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत फैमिली आपके दिमाग से निकाल दीजिए। पिरामिड्स बनाए गए थे आम लोगों ने और उसके बदले में उनको दिए जाते थे पैसे। दोस्तों आम लोग ये पिरामिड इसलिए बनाते थे ताकि उनको लगता था कि ये पिरामिड बनाने का काम फेरों के प्रति बहुत ही सम्मानदायक है। और दोस्तों जो इस पिरामिड को बनाते समय मर जाते थे उनकी बॉडी को इस पिरामिड के अराउंड ही दफनाया जाता था। दोस्तों फैक्ट नंबर 4, इजिप्ट एक समय में दुनिया के सबसे बड़े डैम का घर हुआ करता था जो कि अब चाइना है। इजिप्ट ने अपनी पोजीशन गंवा दी है और दोस्तों सबसे बड़ा डैम इस वक्त चाइना में है। दोस्तों एक डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आसपास के गांवों को बहुत ही विशाल मात्रा में वाटर सप्लाई करती है। और ये जो इजिप्ट में डैम था वो लगभग 500 से 400 हम कह सकते हैं ऐसे गांवों को पानी सप्लाई करता था। दोस्तों फैक्ट नंबर 5, इजिप्शियंस पिरामिड को बनाने के लिए खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करते हैं। उसके अंदर की स्पेस कितनी होगी, उसके आसपास का एरिया कैसा होगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए वो लोग एस्ट्रोनॉमी का यूज़ करते थे। दोस्तों ये थे 5 ऐसे फैक्ट इजिप्ट के बारे में जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। दोस्तों इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड है जो कि हमें टाइम बताता है। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा हमें टाइम बताता है। संचारण वास्तव में अपनी छाया के साथ एक विशाल सनडायल के रूप में काम करता है जो कि निश्चित रूप से पत्थर में बने निशानों पर पड़ने वाले घंटे को महान पिरामिड कहता है। दोस्तों उसके स्टोन्स पर जो शैडो गिरती है उससे हमें पता चलता है कि कैसे आर स्पेंड हो रहे हैं। जब एक लेवल से शैडो दूसरे लेवल पर जाती है तब हमें पता चलता है कि एक आर स्पेंड हुआ है, दूसरा, तीसरा, और जब 24 आर स्पेंड होते हैं तब वो शैडो आती है अपनी ओरिजिन प्लेस पे और हमें पता चलता है कि एक दिन बीत चुका है। दोस्तों ये थे इजिप्ट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको आज तक नहीं पता होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और